क्या इस अनंत सृष्टि में हम अकेले हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ग्रह पर मौजूद सभ्यताओं से लोग इस अनंत आकाश को देखकर यही सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का जो हिस्सा टेलीस्कोप से विजिबल है उसे विजिबल यूनिवर्स कहा जाता है। उस विजिबल यूनिवर्स का 4% हिस्सा ही विज्ञान आज तक एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी बचे यूनिवर्स में क्या क्या मौजूद है ये कोई नहीं जानता, और ये सवाल समय के शुरुआत से ही मानव सभ्यता के मन में रहा है कि क्या हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है। प्राचीन काल से ही दूसरे ग्रह से आए जीवों के किस्से और सबूत हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन आज तक ये सवाल एक अनसुलझी पहेली ही माना जाता है। आज के एपिसोड में हम एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे सबूतों पर नजर डालेंगे जिन्हें देखने के बाद शायद आप भी एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएं। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स की बात करें तो जो भी बींग्स धरती के अलावा किसी प्लैनेट या डायमेंशन में रहते हैं उन सबको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स या एलियंस कहा जाता है। लेकिन हम आज सिर्फ इस ब्रह्मांड में मौजूद जीवों पर ही फोकस करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में भी अनंत प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें जीवन होना कोई बड़ी बात नहीं। धरती पर विजिट करने वाले यूएफओस और एलियंस के किस्से कहानियों में एक खास तरह के जीव की बात कही जाती है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा और ग्रेश ग्रीन कलर की स्किन होती है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एलियंस को देखना या एलियंस द्वारा एब्डक्शन के किस्से भी दुनिया भर से सामने आते रहे हैं। पहला किस्सा है ईयर 1994 का। जिम्बाब्वे के रुवा में एरियल स्कूल मौजूद है, जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। एक सुबह गेम्स पीरियड के दौरान बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, तभी अचानक उन्हें आसमान में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये किसी डिस्क की तरह दिख रहा था जिसमें लाइट्स लगी हुई थी। ऑब्जेक्ट नीचे आया और प्लेग्राउंड में लैंड कर गया। बच्चे देखकर हैरान थे, और तभी उस ऑब्जेक्ट में से 2 एलियन बाहर निकले जिनकी आंखें विशाल थीं। कुछ देर के बाद वो यूएफओ तेजी से वापस चला गया। दोस्तों, प्लेग्राउंड में मौजूद 60 बच्चों ने एक साथ ये दृश्य देखा था। उन बच्चों से अलग अलग ड्रॉइंग्स बनवाई गयी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सबने एक जैसी ही ड्रॉइंग्स बनाई थी। उस स्कूल के आसपास रहने वालों में से भी कुछ लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों ने उन बच्चों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसे एक मास हिस्टीरिया का केस बताया था। अगला किस्सा ब्रिटिश कोलंबिया का है, जहां एक अडल्ट महिला का सामना यूएफओ से हुआ था। कोलंबिया के रूरल एरिया में कोरिना सिबिल्स अपने बच्चों के साथ रहती थी। यह 1991 की शाम वो अपने घर पर थी, तभी उनसे मिलने उनका एक दोस्त आया। मौसम गर्म था, इसलिए कोरिना ने बाहर बैठकर चाय पीने का फैसला किया। कोरिना और उनके दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कंपन महसूस होने लगा। ये कंपन उनके दोस्त को भी महसूस हो रहा था। तभी कोरिना की नजर आसमान पर पड़ी, ऊपर देखते ही वो दंग रह गईं। दोस्तों, वैसे तो आसमान में अंधेरा था, लेकिन सितारे साफ नजर आ रहे थे, और साथ ही उन सितारों की रोशनी को रोकती एक आकृति भी, जो किसी यूएफओ की तरह विशालकाय थी। कोरिना के दोस्त इसे देखकर डर गए और कोरिना से जल्दी घर के अंदर चलने के लिए कहने लगे, लेकिन कोरिना जैसे इस दृश्य को देखकर थम गई थी। उन्होंने खड़े रहकर उस ऑब्जेक्ट को देखने का फैसला किया और उनके दोस्त अंदर चले गए। कोरिना को लगा 2 मिनट के बाद वो ऑब्जेक्ट तेजी से दूर चला गया, लेकिन जब उनके दोस्त बाहर आए तो उन्होंने बताया कि कोरिना गायब हो चुकी थी। उन्होंने कोरिना को सभी जगहों पर ढूंढा और लगभग 45 मिनट के बाद वो वापस उसी जगह पर खड़ी दिखाई दी। कोरिना को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन समय देखते ही उन्हें सच्चाई का पता चला। पता नहीं उन 45 मिनटों में वहां क्या हुआ था, लेकिन कोरिना की मेमोरी में सिर्फ 2 मिनट ही थे। दोस्तों, यूएफओ और एलियंस की बातें आते ही निवाडा के एरिया 51 की तरफ हमारा ध्यान जरूर जाता है। एक ऐसा रहस्यमय मिलिट्री बेस जहां अमेरिका अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करता आया है। शुरुआत में तो उन्होंने अपने देश में ऐसा कोई भी बेस होने की बात से ही इनकार किया था, लेकिन 25 जून 2013 को CIA ने एरिया 51 की मौजूदगी को कबूल किया था। यह 2014 में टेक्सास के इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर और सीनियर साइंटिस्ट रहे बॉयड बुशमैन एरिया 51 के अंदर गए थे। उन्हें वहां किसी एडवांस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करने के लिए बुलाया गया था। बुशमैन ने मरने से पहले
एरिया 51 के बारे में सारी डिटेल्स एक इंटरव्यू में बताई, जिसे सुनकर दुनिया भर के लोग हैरान हो गए। बुशमैन ने बताया कि एरिया 51 में कई एलियंस को कैद करके रखा गया है और उनके ऊपर सीक्रेट रिसर्च सालों से जारी है। वो 5 फीट लंबे जीव हैं, जिनकी तस्वीर भी बुशमैन ने लोगों के साथ शेयर की है। बुशमैन का कहना था कि एरिया 51 में UFOs की टेक्नोलॉजी को देखकर उसी तरह का विमान बनाया गया है जो बेहद एडवांस है। ये एलियंस लगभग 203 वर्षों से जीवित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये एलियंस अपने ग्रह से पृथ्वी में 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। एक जाने माने साइंटिस्ट ने UFOs और एलियंस के बारे में अपने इंटरव्यू में बताया और यही लोगों की हैरानी की वजह थी। दोस्तों, एरिया 51 में आम लोगों का जाना सख्त मना है। वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं। इस एरिया को गूगल सैटेलाइट में दिखाना भी मना है और इसके ऊपर से किसी प्लेन को भी नहीं उड़ने दिया जाता। ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में रहने वाली पॉला ने क्लेम किया कि उन्हें एलियंस ने अबडक्ट किया था। उन्होंने दावा किया कि वो बचपन से UFOs देखती आई हैं और उन्हें 50 से ज्यादा बार अबडक्ट किया गया है। पहली बार उन्होंने UFO तब देखा था जब वो 6 साल की थी। उन्हें एक स्पेसशिप के अंदर ले जाया गया और उन पर कुछ परीक्षण किए गए थे। पॉला ने बताया एलियंस के पास उस समय भी बेहद उन्नत टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। उन्होंने टच स्क्रीन गैजेट्स भी एलियंस के पास तब देखे थे जब उनका आविष्कार धरती पर नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्होंने स्पेसशिप में एक मूवी देखी। उन्होंने देखा धरती की नदियां काली हो गई हैं और आसमान लाल हो गया है। इसके बाद उन्हें बताया गया कि ग्रीड की वजह से धरती का अंत इसी तरह होगा। दोस्तों, इसके अलावा लास वेगस के प्रॉफिट यावे वर्षों तक UFOs को देखते रहे हैं और एलियन से कम्युनिकेट भी करते रहे हैं। उनका कहना था एलियंस धरती पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर धरती पर पीस लाना चाहते हैं। शुरुआत में एक साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें मेंटली इल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रॉफिट यावे न केवल एलियन से कम्युनिकेट कर सकते थे, बल्कि वो UFOs को समन भी कर सकते थे। उन्होंने कई बार लाइव न्यूज के दौरान कैमरा के सामने ही UFOs को समन किया था और सैकड़ों लोगों ने इसे खुद अपनी आंखों से विटनेस भी किया था। उनके प्रेयर करते ही कोई राउंड ऑब्जेक्ट आसमान में नजर आने लगता था, जो उनके कहने पर वापस भी चला जाता था। यह 2007 में प्रॉफिट यावे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, एलियंस और UFO की गतिविधियों को साइंटिस्ट नहीं मानते। उनके तर्क के हिसाब से इन गतिविधियों का कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमारी दुनिया के बाहर जीवन नहीं है। ये रहस्यमय गतिविधियां हमारी यूनिवर्स की हैं, लेकिन हमारे शास्त्र और विज्ञान दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि यहाँ मल्टी मिलियन यूनिवर्सेस या अनंत कोटि ब्रह्मांड मौजूद हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो मिल्की वे पूरे अस्तित्व के सामने एक सुई की नोक बराबर भी नहीं है। इस स्थिति में ये सोचना कि हमारी धरती के अलावा कहीं जीवन नहीं है, मेरे अनुसार ये सबसे बड़ी अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल बात है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।